अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गुड़ के लॉज। तो इसके लिए लेंगे हम, यह है 500 ग्राम गुड़। तो सबसे पहले अब हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। तो इसके लिए अब हम गुड़ में पानी ऐड करेंगे। 300 ml पानी है ये। फ्लेम ऑन करेंगे और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेंगे, सैफ्रन फूड कलर है ये, ऑप्शनल है। अगर आप लोग स्किप करना चाह रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे गुड़ को, सिर्फ मेल्ट करना है। जैसे ही गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसके बाद में हम इसको छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाए। इस तरह से छान कर रख लेना है। लॉज बनाने के लिए लेंगे हम 1 कप रवा, 3 कप मैदा, 1/4 कप, 1 teaspoon सौंफ, 1/3 कप काजू ऐड कर लेंगे बारीक कटे हुए और 1/3 कप घी ऐड करेंगे, 2 pinch खाने का सोडा और 1 teaspoon इलायची पाउडर। ये सब चीज़ें ऐड कर लेने के बाद में अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद में अब हम गुड़ का सिरप ऐड करते जाएंगे। अच्छे से मिलाते जाएंगे इस तरह से। तो जितना भी गुड़ हमने मेल्ट किया वो पूरा इसके अंदर चला गया। गुड़ का सिरप डालने के बाद में इसको अच्छे से गूंद लेंगे हम इस तरह से। अच्छे से गूंद लेने के बाद में अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इस तरह से पेड़े बना लेने के बाद में अब हम इसको बेल लेंगे। तो थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे, यानी कि इसको इस तरह से सूखे आटे में डिप करेंगे और बेलेंगे। इसको हम इतना मोटा रखेंगे और इसके बाद में इसके साइड्स कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से कट कर लेंगे इसको। तो बिल्कुल इसी तरह से अब हम सारे लॉज बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये लॉज फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम तेल को मीडियम हीट पे गरम कर लेंगे और इसको फ्राई करेंगे लो हीट पे, और इसको हाई हीट पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे। अगर हाई हीट पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से जल जाते और अंदर से कच्चे रह जाते, तो इसी वजह से हम इसको लो हीट पे फ्राई करेंगे। और इस तरह से इसके साइड्स भी चेंज करते जाएंगे हम। और इसको आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बेल ले सकते हैं, यानी कि पतला या मोटा जिस तरह से रखना चाह रहे हैं, जैसे आप लोगों की चॉइस हो उस तरह से इसको बेल ले सकते हैं। तो ये देखिए अब ये लॉज बिल्कुल रेडी है, बादामी कलर में आ गए, अच्छे से फ्राई हो गए। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। लॉज फ्राई होने के बाद में हम इसको कुछ देर के लिए रख देंगे, यानी कि लगभग 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये क्रिस्पी हो जाते अच्छे से, यानी कि फ्राई होने के बाद में हम इसको खुली हवा में रख देंगे। तो ये देखिए 1 घंटे के बाद में ये इस तरह से क्रिस्पी हो जाते। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, गुड़ के लॉज की रेसिपी को। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।